हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि सीटेट की मार्कशीट के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था कि मार्कशीट आ चुकी है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ही आज आपका जो सीटेट की सर्टिफिकेट है वो भी आपका डिजी लॉकर ऐप में आ चुका है, तो वो भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, छोटी सी एक वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये रहा हम डिजी लॉकर ऐप में, आपको जाना कहाँ है और कैसे डाउनलोड करना है। तो ये बीच वाले सेक्शन में जाना, ऊपर तीन सेक्शन देख रखे हो आप, डैशबोर्ड, इशूड और अपलोड। बीच वाले ऑप्शन में जाना है इशूड में, और ये सर्च वाला जो बटन दिख रहा है सर्च वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन में आना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, इस वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन देख लो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको दे रखा है। आप यहाँ पर जाकर इस एप्लीकेशन यानी कि इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो, और नीचे आपकी मार्कशीट दे रखी है। ओके, तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर साफ बोल रहा है, देखो, लिंक आधार, यानी कि यू नीड टू लिंक योर आधार नंबर टू योर डिजी लॉकर अकाउंट टू फिच दिस डॉक्यूमेंट। यानी कि जहाँ पे यहाँ पर साफ बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका जो लिंक नंबर है यानी कि आधार का जो नंबर होता है वो यहाँ पर जाकर आपको लिंक करना पड़ेगा। आप ये लिंक नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा अपना। ओके, और यहाँ पर आपको ये इस वाले पे टिक करना होगा आधार नंबर डाल के। मुझे सर्टिफिकेट मेरा डिजी लॉकर में नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेरा है, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मैं डिजी लॉकर में बस आपको बता रहा था कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। यू काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कमेंट करके, सिर्फ डाउनलोड कैसे करते हैं वो बता दीजिए। तो ऐसे करके यहाँ पर अपना आधार नंबर डालोगे तो आपको ये वेरीफाई करेगा। ओके, वेरीफाई करके आपके जो आपका नंबर होगा, जो आपका नाम होगा, जो उस आधार कार्ड पर, उसी के अनुसार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ये ला देगा। ओके, आपके डिजी लॉकर में सारी की सारी वेरीफाई हो जाएगा आपके आधार नंबर से। तो बस इतना ही, सा एक छोटा सा प्रोसेस था। ओके, तो जाकर अभी अपना सीटेट का अगर सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले DSSB KVS एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प मत करेंगे, क्योंकि आने वाले इस एग्जाम में यानी कि इस ईयर में और नेक्स्ट ईयर में दोनों में आपको DSSB और KVS के एग्जाम के देखने की डेट जरूर मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका दिल्ली का चुनाव है और इस साल आपका लोकसभा का चुनाव है, इसलिए आपके इलेक्शन से रिलेटेड आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसलिए जल्दी से आप अपना सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आज को आपके वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्वेरी जरूर आपके लिए अपडेट कर दूंगा। ओके, कैसी भी क्वेरी हो आपको, चाहे वो आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा हो, डिजी लॉकर आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा हो, या और कोई सी किसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।